अच्छा तीन चार गाड़ी और भी है। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि चमोली सैंड में यहाँ पर रिवर ट्रेनिंग के नाम पे यहाँ पे रात भर जेसीबी लगाकर यहाँ से अवैध खनन किया जाता है, उसका प्रमाण हमें मिल गया है। ये UK 15CA 1003 इस नंबर का ये ट्रक यहाँ से अभी निकल रहा है। लगभग 8 बजे हैं रात के, आज मंगलवार है, और आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ से, ये मजदूर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो यहाँ पर रात भर यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है, और जो यहाँ पे सतुली तहसील के अंतर्गत जो राजस्व प्रशासन है उसकी पूरी मिली भगत मैं इसे मानूंगा कि इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। जब हम इस हंस फाउंडेशन अस्पताल के चंद मीटर पे इन्हें पकड़ सकते हैं, तो राजस्व पुलिस और जो पुलिस है वो इन्हें क्यों नहीं पकड़ पा रही है। तो ये सीधा सीधा ये धामी सरकार ने जो संरक्षण दिया है अवैध खननकारियों को, जो ये चुनाव का पैसा अवैध खनन करके जमा किया जा रहा है, उसका प्रमाण हमने जनता के सामने रख दिया है। अब जनता को देखना है कि इस तरह के जो भ्रष्ट तंत्र है पूरा उत्तराखंड में भाजपा सरकार का, उसको आगे उसका क्या करना है, 2022 में उनको किस तरह से सत्ता में रखना है या उन्हें सत्ता से बेदखल कर जमीन पे बैठाना है, जिससे कि उत्तराखंड की जनता के साथ जो ये शोषण और अन्याय ये लोग कर रहे हैं उसका समापन हो सके। टाइम जैसा मैंने आपको बता दिया है, इस समय 8 बज रहे हैं रात के, और आज 21 तारीख है, 21 सितंबर 2021 है, आज 21 सितंबर 2021 है, रात के 8 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि चमोली सैंड में जो है यहाँ पे जहाँ पे रिवर ट्रेनिंग का पट्टा दिया गया है वहाँ से ट्रक निकल के आ रहा है, और नीचे जेसीबी भी काम कर रहा है। अभी नीचे हम लोग अभी नीचे भी जाएंगे, वहाँ पर एक जेसीबी भी काम कर रहा है, वहीं से निकासी हो रही है। जो हम आपसे कह रहे थे ना कि रात को भी करते हैं, वो कल पकड़ना आ रहे, तो वहाँ नीचे पोकलैंड मशीन है उनकी, वो काम कर रही थी, वहाँ से ट्रक धीरे धीरे करके निकल रहे थे। उनमें से एक ट्रक जो है वो सड़क पर हमें मिला वहाँ पर, हमने उससे बोला कि कहाँ से ले जा रहे हो कि रात को, तो लेबर तो उससे उतर के भाग गई, वो वीडियो में भी है। और वो फिर अपने मालिक को फ़ोन करने लगा ना, मतलब कि मामले को सेटल करो ये सब इस तरह से, तो बाकी तो सारे प्रमाण अब लाए गए, ट्रक का नंबर भी है उसमें, अब कार्रवाई आपने करनी है उसमें।